नमस्कार। कोविड संक्रमण के चलते पुनः द्वितीय चरण में ऑनलाइन कक्षा प्रारंभ की गई और निश्चित तौर से इसके बचने के उपाय, मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी इस समय बहुत जरूरी। नागार्जुन उमेश संस्कृत महाविद्यालय तरौनी दरभंगा, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई, सहाचार्य मैं वीर सनातन पूर्णेंदु राय, विषय साहित्य, कक्षा शास्त्री प्रथम खंड, पाठ्य शीर्षक भारतीय परंपरा में रूपक की उत्पत्ति, दिनांक 19/4/2021। भारतीय नाट्य परंपरा में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ भरत मुनि प्रणीत नाट्य शास्त्र है। यह श्लोकबद्ध विशाल ग्रंथ है। इसमें कुल 36 अध्याय हैं। इसका समय 200 ईस्वी पूर्व है। इससे ज्ञात होता है कि ईस्वी पूर्व 3 शताब्दी में भारतीय नाट्य कला अपनी उन्नत अवस्था पर थी। बौद्ध जैन ग्रंथों एवं वात्सायन के कामसूत्र में भी नाटकों का उल्लेख मिलता है। भारतीय संस्कृत नाटककारों में महाकवि भास, शूद्रक, कालिदास, अश्वघोष, हर्ष, भवभूति आदि के नाटक। नाट्य शास्त्र के तत्वों का वर्णन धनंजय कृत दशरूपक एवं विश्वनाथ कृत साहित्य दर्पण में मिलता है। धनंजय के अनुसार नाटक के 3 तत्व होते हैं। नाटक में इन 3 तत्व वस्तु, नेता और रस। वस्तु के जो कथा वस्तु होते हैं उसके 2 भाग हैं, आधिकारिक और प्रासंगिक। आधिकारिक यानी फल और नायक, और प्रासंगिक। प्रासंगिक के भी 2 भाग हैं, जिसमें कहते हैं कि पताका और प्रकरी। पताका उस कथा को कहते हैं जो नाटक में दूर तक चलती है। इसका नायक दूसरा व्यक्ति होता है या मुख्य नायक का साथी होता है। और इसका एग्जाम्पल जो है रामायण में सुग्रीव की कथा है। दूसरा हम देखते हैं प्रकरी। छोटे छोटे प्रसंगों या कथानकों को प्रकरी कहते हैं, जो शबरी की कथा रामायण में है। जिस प्रकार ऐसे हम संपूर्ण कथा को 3 भागों में विभाजित करते हैं, प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र, जो इतिहास पर आश्रित हो। छात्रों, इसको बढ़िया से समझने की जरूरत है। आप लोगों को सम्यक रूपेण अवगमनम जाता तरही भवान लिखतुम सकण होती। संपूर्ण कथा को 3 भागों में विभाजित करते हैं, 3 भागों में कहते हैं, प्रख्यात, उत्पाद्य, मिश्र, जो इतिहास पर आश्रित हो उसे कहते हैं प्रख्यात। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे शाकुंतल की जो कथा है महाभारत और पद्म पुराण पर आश्रित है। उत्पाद, यह कथा कवि द्वारा कल्पित होती है। यह कथा कवि द्वारा कल्पित होती है, जैसे शूद्रक का मृच्छ कटिकम और भवभूति का मालती माधव नाटक। ये उत्पाद है। मिश्र, ऐसा जो कथा होता है, तीसरा प्रकार है। इसमें मुख्य अंश इतिहास पर आश्रित होता है, इतिहास उपरी आश्रितम भवति, और अधिक अंश जो होता है, सर्वाधिक अंश अस्ति कल्पितम भवति, ये जो होता है कल्पित होता है। संस्कृत में दैवी परंपरा से नाटकों की उत्पत्ति मानी जाती है। दैवी परंपरा से नाटकों की उत्पत्ति मानी जाती है। ब्रह्मा जी ने देवताओं पर अनुग्रह करके ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से गीत, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस की उत्पत्ति की, और ये चारों को मिलाकर एक वेद, पंचम वेद की उत्पत्ति हुई। इस पंचम वेद का नाम है नाट्यवेद, यानी कि नाट्यवेद की रचना की गई। यह नाट्य शास्त्र के पहला अध्याय का 16वां श्लोक में आता है, जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात सामवाय भयो गीतमेव च यजुर्वेदाद विनयान रसानाथर्वणादपि। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को प्रेक्षा गृह रंगशाला बनाने की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी ने भरत मुनि को अभिनय का संकेत दिया। इस नई सृष्टि में विष्णु ने अभिनय के 4 प्रकार बताए, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। अभिनय के लिए अप्सराओं की उत्पत्ति हुई, परंतु अभिनय कला देवों के लिए असंभव जानकर
मनुष्य लोक के लिए उपयुक्त मानी गई। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का उल्लेख पांचवें वेद के रूप में संस्कृत महाकाव्यों में आता है। आज का जो पाठ्य शीर्षक है हमारा, भारतीय परंपरा में रूपक की उत्पत्ति। नमो नमः मित्रों, पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतम्, वदतु संस्कृतम्। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा।